गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म चैनल। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पीजीटी में जो है नया बैच 15 अगस्त से शुरू हो चुका है, इसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। और इसमें जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी वो आपकी डेली 9 बजे होगी। और जो सीटेट बैच है वो भी आपका 15 अगस्त से शुरू हो चुका है, और इसमें भी आपकी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी वो 9 बजे होगी। तो आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था कि उन्हें हिस्ट्री का मुगल एम्पायर पढ़ना है, तो आज हम जो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें जो भी महान शासक हुए हैं उस टाइम के और जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। स्टूडेंट्स जल्दी से एक्टिव हो जाइए। तो हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। तो मुगल एम्पायर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाबर। तो जो बाबर थे ये इनका शासन शुरू होता है 1526 से लेकर 1530 तक इनका शासन रहता है। ठीक है, बाबर का जन्म जो है 1483 में फरगाना अफगानिस्तान में हुआ था। वे मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। और जो क्वेश्चंस जो बाबर से जो जितने भी क्वेश्चंस बाबर से संबंधित हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो भारत में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो है बारूद की शुरुआत कब से हुई थी और किसने की थी, तो इसकी शुरुआत किसने, बाबर ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी और ये हुई थी 1526 ईस्वी में। खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 ईस्वी में, राणा सांगा को हराया था। और इसी में जो है बाबर जो है गाजी की उपाधि धारण करते हैं और खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के मेदिनी राय को हराया था 1528 ईस्वी में। और घाघरा के युद्ध में 1529 में मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। तो यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो है बाबर का कौन सा अंतिम युद्ध था, वो था घाघरा का युद्ध और ये लड़ा गया था 1529 ईस्वी में और इसमें मोहम्मद लोदी को हराया था। ठीक है, तो यही एग्जाम्स में पूछा जाता है कि खानवा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। फिर पूछा जाता है कि चंदेरी के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये बाबर और चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 ईस्वी में। तो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाबर वाज बोर्न इन 1483 इन फरगाना, इट इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर हु इंट्रोड्यूस्ड गन पावर इन इंडिया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत 1526। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफीटेड, तो इन 1527 राणा सांगा एट बैटल ऑफ खानवा एंड डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी एट बैटल ऑफ चंदेरी एट 1528।
अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो बाबर के बारे में, और इस प्रकार डिफिटेड बाबर डिफिटेड महमूद लोधी एट बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 एंड दिस वाज द लास्ट बैटल फाउट बाय बाबर। एंड ही रोट तुजुक ए बाबर इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इन द टर्किश लैंग्वेज। तो ही रोट ऑटोबायोग्राफी हिमसेल्फ इन द टर्किश लैंग्वेज। तो ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा को कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, तो तुर्की भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था, और उसकी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है। और तो यह तुजुके बाबरी उन्होंने लिखी थी, और उसकी जो लैंग्वेज थी तुर्की लैंग्वेज थी। बाबर डिक्लेयर जिहाद एंड अडोप्टेड द टाइटल गाजी आफ्टर द खानवावा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बाबर डिक्लेयर जिहाद एंड अडोप्टेड द टाइटल गाजी आफ्टर द खानवावा। According to the Tujuke Babari, Babur died in 1530 in Lahore and buried at Arambagh, Agra, and later his body was taken to Afghanistan, Kabul. Himayu, Himayu का समय शुरू होता है 1530 से लेकर और ये 1556 तक शासन करते हैं। तो हुमायूं का टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है। तो हुमायूं वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। हुमायूं बिल्ट दीनपना एट दिल्ली एज हिज सेकंड कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड शेरशाह सूरी ग्रेजुअली गेन्ड पावर। ही फाउट टू बैटल्स विद हुमायूं। फर्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ चोरसा in 1539 and another battle of Kannauj। time period important hai, exams mein pucha jata hai ki Shershah Suri ke sath Himayun ne Chosa ka yuddh kab lada tha। to ye yuddh lada tha 1539 ise mein, aur pucha jata hai ki Kannauj ka yuddh kab lada tha, ye lada tha 1540 ise mein। तो हुमायूं जो है बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, और दिल्ली में दीनपना को अपनी दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया था। शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे सत्ता हासिल की और उसने हुमायूं के साथ दो लड़ाइयां लड़ी। चोरसा की लड़ाई 1539 में और कन्नौज की लड़ाई 1540 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर चोरसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई। तो हुमायूं ने जो है 15 वर्ष जो क्योंकि वो कन्नौज के युद्ध में हार जाते हैं, तो इसके बाद हुमायूं ने 15 वर्ष का वनवास व्यतीत किया। उसने अपने अधिकारी बेरम खान की मदद से 1555 में फिर से भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो फिर से भारत आते हैं और फिर से बेरम खान की मदद से हुमायूं जो है भारत पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 में हो जाती है, और इसका रीजन पूछा जाता है कि जो है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उसके पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुए थे। और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो ये थी गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की सौतेली बहन थी, उसने यह लिखी थी। तो हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी। कई बार एग्जाम्स में कारण पूछ लेते हैं कि किसकी मृत्यु पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी।
तब अकबर के बारे में इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 1556 से लेकर, और 1605 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका पूरा नाम है अब्दुल फतेह जलाल उदयदीन मोहम्मद। कई बार एग्जाम्स में जो है नाम भी पूरा पूछ लिया जाता है कि अकबर का नाम क्या है, तो पूरा है अबुल फत जलाल उदयन मोहम्मद अकबर, और ये लोकप्रिय रूप से अकबर के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक रेजेंट बेरम खान के तहत क्या हुआ था, हुमायूं का उत्तराधिकारी बना था, जिसने अकबर को भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में मदद की थी। तो जो है छोटी सी उम्र में अकबर जो है सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय बेरम खान उसकी मदद करता है साम्राज्य का विस्तार करने में। अकबर को महान शासकों में से एक माना जाता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की शुरुआत होती है 1556 में। बेरम खान की मदद से हेमू को हराया जाता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में होती है, जो अंतिम हिंदू राजा थे हेमू उनके बीच में होती है 1556 में। अब ये विजय है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर ने मालवा को कब जीता, गढ़कंडिका को कब जीता, चित्तौड़ को कब जीता, गुजरात को कब जीता, और कालिंजर को कब जीता, और मेवाड़ को कब जीता। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मालवा को जीता था 1561 में, एक टाइम याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले उसने मालवा को जीता था 1561 में, जिसमें अकबर ने बाल बाज बहादुर को हराया था। उसके बाद उन्होंने जो है गढ़कटंगा रानी थी जिसका नाम था दुर्गावती, उसको हराया था, और चित्तौड़ को उसने 1568 में हासिल किया था। ये इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़ को उसने 1568 में हासिल किया था। रणथंबोर और कालिंजर को 1569 ईस्वी में कब्जे में लिया था। इसके बाद गुजरात विजय के बारे में पूछा जाता है कि अकबर ने गुजरात पर कब विजय हासिल की थी, तो ये 1572 में हासिल की थी। उसके बाद जो है हल्दी घाटी की लड़ाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी सन पूछा जाता है, ये 1576 में हुई थी। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुई थी। इसे में पूछा जाता है कि हल्दीघाटी की लड़ाई कब हुई थी और किस किसके बीच में हुई थी, तो ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी और 1576 में हुई थी। और कश्मीर को उसने 1586 में जीता था, और सिंध पर उसने 1593 में विजय हासिल की थी, और असीरगढ़ के किले को जीता था 1603 में। तो ये सभी अकबर की विजयों के बारे में है कि अकबर ने कब कब कौन सी विजय हासिल की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या यूजीसी के एंटी नेट एग्जाम से पूछा जाता है कि मालवा को अकबर ने कब जीता था, कश्मीर को कब जीता था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही हमने ये पूरा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया है। फिर अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे गया है बार बार ये क्वेश्चन कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, तो ये समाप्त किया था 1564 में। उन्होंने सुलह कुल में विश्वास किया था, इसका मतलब था सभी को शांति मिले। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई थी 1579 ईस्वी में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि जो है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, और इसका मतलब था प्रार्थना का घर या प्रार्थना हॉल, और इसकी जो स्थापना है वो 1579 ईस्वी में की गई। इसके बाद जो है अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की 1582 ईस्वी में। ये टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है।
1582 में की गई थी। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो 1579 ईस्वी में, और दीनी लाई की कब की गई थी, 1582 में की गई थी, और सबसे पहले बीरबल ने ही इसको अपनाया था। ठीक है, अब ये बुरा सा प्रणाली के बारे में पूछा जाता है कि अकबर के काल में जो है भूमि रास्ता प्रणाली में सुधार किसने किया था, तो टोडरमल को याद किया जाता है उसके महत्वपूर्ण कार्य के लिए। तो भूराजस्व प्रणाली को टोडरमल द्वारा जो है बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली भूमि की माप शुरू की थी, भूमि का वर्गीकरण किया था, भूमि को कैटेगराइज किया था, मतलब जो उपजाऊ भूमि थी और जो जहाँ पर खेती नहीं होती थी, इस प्रकार से भूमि का वर्गीकरण किया गया था और लगान का निर्धारण किया गया था। तो इस तरीके से क्या है, भूमि बंदोबस्त की शुरुआत टोडरमल द्वारा की गई थी, इन्होंने जब्ती प्रणाली को अपनाया और भूमि की माप करवाई, भूमि का वर्गीकरण किया, भूमि का कैटेगराइज ने किया और लगान का निर्धारण किया उसी के आधार। और कुलीनता और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर करता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो है मुगल काल का कौन सा सुल्तान करता है, तो उसकी शुरुआत कौन करता है, उसकी शुरुआत अकबर करता है। जब्ती प्रणाली भूमि की माप, भूमि का वर्गीकरण और लगान का निर्धारण कहा जाता है। जब्ती प्रणाली में जो है भूमि की माप की जाती है, भूमि का वर्गीकरण किया जाता है और उसी के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता है। और कुलीनता और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, अकबर जो है अबोलिस्ट जजिया इन 1564 एंड ही बिलीव इन सुलहे कुल, जिसका मतलब था पीस टू ऑल, बिल्ट इबादत खान एट फतेहपुर सिकरी, इशू डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी इन 1579। अकबर फॉर्मुलेटेड रिलीजियस ऑर्डर दीन ए लाई इन द पीरियड ऑफ 1582। बीरबल वाज द फर्स्ट टू एम्बेरस इट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ही वाज बीरबल द फर्स्ट एम्बेरस इट। लैंड रिवेन्यू सिस्टम वाज कॉल्ड टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम। तो जितने भी अकबर काल में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किए गए उसको टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि इट इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन ऑफ रेंट एंड इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, इट मींस होल्डर ऑफ रैंक टू ऑर्गेनाइज नोबिलिटी एंड आर्मी। The Navratans include The Navratan includes Todramal, Abul Fazal, Fezi, Birbal, Tanshin, Abdul Rahim Khani, Khana, to Raja Man Singh and Fakir अजीतुद्दीन। तो दिस आर नवरत्न्स इन द पीरियड ऑफ अकबर एंड अकबर डाइड ऑन 27 अक्टूबर 1605 ड्यू टू डायसेंट्री। हिज बॉडी वाज ब्यूरिड एट हिज मोसोलियम इन सिकंदराबाद आगरा। अब जहांगीर का टाइम पीरियड देख लेते हैं।
उसके बाद अकबर के बाद है जो है जहांगीर का टाइम शुरू होता है। तो जहांगीर जो है सिंहासन पर बैठते हैं 1605 में और 1627 तक गद्दी पर बने रहते हैं। जहांगीर का जो है 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया। जो जहांगीर के टाइम से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं सब मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो सिखों के पांचवा गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर के टाइम में फांसी दी गई थी। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सिखों का पांचवा गुरु कौन सा था, और ये था गुरु अर्जुन देव। इसको जहांगीर के टाइम पर फांसी दी गई थी। उनकी सबसे बड़ी विफलता 1622 में कंधार की फारस से हार थी। ठीक है, तो जो है जहांगीर के समय में क्या हुआ था, फारस ने क्या किया था, कंधार को वापस मुगलों से छीन लिया था 1622 ईस्वी में। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फारस ने मुगल साम्राज्य से कंधार को कब छीन लिया था। तो ये 1622 ईस्वी में उससे छीना गया था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहांगीर के टाइम पीरियड में जो घटनाएं महत्वपूर्ण है वो सभी यहाँ पर इंक्लूड है। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहर उन्निसा से विवाह किया था और उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। तो नूरजहां से विवाह उन्होंने 1611 में किया था और उन्होंने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा के किले में जंजीरे या दल की स्थापना की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का कौन सा जो शासक था वो न्याय प्रिय था और जिसने आगरे के किले में जंजीरे या दल की स्थापना की थी। और क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हॉकिंस और थॉम्स तो किसके काल में भारत में आए थे। तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर, हॉकिंस और थॉम्स रो जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। तो जहांगीर एग्जीक्यूटेड द फिफ्थ सिक्स गुरु अर्जुन देव एंड इज ग्रेटेस्ट फेलियर वाज द लॉस ऑफ कंधार टू पर्शिया इन 1622। जहांगीर मैरिड मेरुनुसा इन 1611 एंड कंफर्ड द टाइटल ऑफ नूरजहां ऑन हर। He established Janjireya Dal at Agra fort for the seekers of the royal justice, and Captain Hawkins and Sir Thomas Rowe visited his court. तो जितने आज हमने जहांगीर के काल तक के बारे में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनके बारे में जो है यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। एग्जाम्स में जो पूछा गया है उसी को शामिल किया गया है, बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। बाबर के बाद जो है हुमायूं का शासन शुरू होता है और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर का शासन शुरू होता है। और जितने भी अकबर की विजयों के बारे में पूछा जाता है तो आज जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस इयर्स एग्जाम में जितने भी पूछे गए थे क्वेश्चन सबको स्लाइड में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बाबर के टाइम से रिलेटेड, और जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो है जहांगीर के समय में हुई थी वो पूछी जाती है, और जो है हुमायूं के समय जो कन्नौज का युद्ध था और चौसा का युद्ध था जो 1539 में होता है चौसा का युद्ध, और जो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में युद्ध होता है। कन्नौज के युद्ध का इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि इसमें क्या है, हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद क्या हुआ था,
जो है शेरशाह सूरी दूसरे अफगान वंश की स्थापना करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है एग्जाम में पूछा जाता है दूसरे अफगान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी है। 1540 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है चोरसा के युद्ध में। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है एक्टिव रहे और अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करें, क्योंकि इसमें जो है पूरा फोकस रहता है कि जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को इंक्लूड किया जाए। कल की क्लास में हम जो है मुगल एम्पायर में जो भी और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अब याद हो गया होगा आपको हॉकिंस और टॉम्स तो जो है जहांगीर के दरबार में आए थे, और जो है आगरा में जहांगीर ने क्या किया था, जंजीर ए अदल की स्थापना की थी ताकि उसकी सभी जनता को न्याय मिल सके। तो ये जहांगीर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और जहांगीर एग्जीक्यूटेड फिफ्थ सिक्स गुरु गुरु अर्जुन देव। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहांगीर से पूछे गए हैं वो आपके सभी कवर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपका आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहें तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो अभी हम थोड़ा हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे इस पूरे वीक में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, तो कल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आप इन इन सभी क्वेश्चंस को जो है अपने नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ही एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होती है अब वो डेली 9 बजे होती है, और इसमें जो है पूरा आपके जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो जाए। तो कल मिलते हैं 9 बजे।